मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का। सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुपर फास्ट मोड में लाने में जुटे हैं। प्रदेश में उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसी कड़ी में शामिल है फिल्म इंडस्ट्री। नोएडा में सबसे बड़ी फिल्म सिटी के ऐलान के बाद अब गोरखपुर में देश की पहली रीजनल रेजिडेंशियल फिल्म सिटी बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल वासियों को एक बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। गोरखपुर में भोजपुरी फिल्म सिटी 100 एकड़ में बनेगी। जीडीए ने जिला प्रशासन से 100 एकड़ जमीन मांगी है। यहां फिल्म सिटी के साथ साथ कलाकारों के लिए आवासीय योजना भी लाई जाएगी। ताल नादौर में 500 एकड़ सरकारी जमीन है, जिसमें से 100 एकड़ फिल्म सिटी के लिए मिलने की उम्मीद है। गोरखपुर सदर सांसद रवि किशन ने इसके लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया है और कहा है कि इससे बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध होगा। लाखों कलाकार मेरी तरह जो भटक रहे हैं बंबई शहर में, उनको एक छत मिलेगी। भोजपुरी इंडस्ट्री एक लावारिस इंडस्ट्री और 100 फिल्म साल में बनाती है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। सबसे ज्यादा यूट्यूब पे व्यूअर्स उसके हैं, लेकिन उसके पास छत नहीं थी। अब उसको स्वयं छत मिलेगी और महाराज जी ने एक बहुत अच्छा तोहफा ये दिया कि यहाँ रहेंगे, यहाँ बसेंगे तो उन लोगों को सब्सिडी भी मिलेगी, उनको मकान भी मिलेगा। रीजनल फिल्म सिटी को लेकर जीडीए के अधिकारियों ने ताल नदौर इलाके का दौरा भी किया। इस दौरे में मुंबई से आए फिल्म उद्योग से जुड़े कुछ लोग भी शामिल रहे। गोरखपुर और कुशीनगर एयरपोर्ट होने से कनेक्टिविटी काफी बेहतर है। सड़क और रेल मार्ग से भी गोरखपुर के जुड़े होने एवं अच्छे होटल के कारण भी यहां काफी संभावनाएं हैं। माना जा रहा है कि गोरखपुर में फिल्म इंडस्ट्री बनने के बाद साउथ की फिल्मों की शूटिंग भी यहां हो सकेगी, क्योंकि यहां फिल्म की शूटिंग का खर्चा काफी कम होगा। गोरखपुर में बनने वाली फिल्म सिटी में कई सुविधाएं होंगी। इंडोर शूटिंग की सुविधा मिलेगी, जरूरत के मुताबिक सेट बनाए जा सकेंगे, शूटिंग के लिए सभी संसाधन एक जगह मिलेंगे, पोस्ट प्रोडक्शन साउंड एवं वीडियो एडिटिंग लैब का निर्माण किया जाएगा, पोस्ट प्रोडक्शन के लिए मुंबई नहीं जाना पड़ेगा। रीजनल फिल्म सिटी को बढ़ावा देने के लिए जीडीए बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ समझौता करेगा, ताकि वे अपनी फिल्मों की सीरीज यहीं शूट करें, उनका प्रोडक्शन वर्क भी यहीं हो। इससे फिल्म इंडस्ट्री को स्थापित करने में मदद मिलेगी। रीजनल फिल्म सिटी से गोरखपुर में रोजगार के नए अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी। बड़ी संख्या में यहां फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग मुंबई जाने को मजबूर होते हैं, जहां वो फिल्मों की शूटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन के काम में जुड़े होते हैं, लेकिन गोरखपुर में फिल्म सिटी आने के बाद उन्हें रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना होगा। गोरखपुर में ही उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में रोजगार के नए अवसर मिल सकेंगे। गोरखपुर में कनेक्टिविटी और सुरक्षा के लिहाज से भी फिल्म सिटी के लिए अच्छा विकल्प है, लिहाजा यहां रीजनल फिल्म सिटी के सफल होने की पूरी उम्मीद है। रीजनल फिल्म सिटी बनने के बाद गोरखपुर फिल्म उद्योग का एक बड़ा केंद्र बनकर उभरेगा। आने वाले दिनों में सिर्फ भोजपुरी ही नहीं, यहाँ पे नेपाली, बुंदेलखंडी, अवधी सहित तमाम भाषाओं की फिल्मों की शूटिंग होगी। साथ ही यहाँ पे वो सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी जो मुंबई के फिल्म सिटी में उपलब्ध है। अगली पाठक के साथ राम गोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। गोरखपुर से सांसद रवि किशन का कहना है कि वो काफी लंबे वक्त से गोरखपुर में फिल्म सिटी की वकालत कर रहे थे, लेकिन पहले की सरकारों ने उनकी एक नहीं सुनी। लेकिन अब योगी सरकार ने पूर्वांचल के लाखों लोगों को फिल्म सिटी के रूप में एक बड़ा तोहफा देने जा रही है। हमारे साथ